कोविड महामारी के पहले लॉकडाउन के दौरान बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी आई थी। पता चला था कि ओजोन परत ठीक हो रही है। क्या वाकई में ऐसा हुआ? और अगर हुआ तो पूरा छेद कब तक भर जाएगा? आखिर इसका बंद होना हमारी धरती के लिए इतना जरूरी क्यों है? सब कुछ जानेंगे आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉल इंडिया, मैं हूँ आपके साथ जूही सिंह। चलिए जानते हैं कि क्या है ओजोन परत। ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनता है एक अणु जिसको ओजोन कहते हैं। धरती की बाहरी परत जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, उसमें ओजोन नेचुरली पाया जाता है। इस परत में मौजूद गैसें सूर्य के कई तरह के विकिरणों को, खासकर अल्ट्रावायलेट किरणों को फिल्टर करती है। वैसे धरती पर वायु प्रदूषण और दूसरे उत्सर्जनों के चलते ओजोन बनती है, लेकिन वो हानिकारक हो सकती है बशर्ते वो इंसान या जानवर के सीधे संपर्क में आए। अब ये भी आपको बता देते हैं कि ओजोन परत ना हो तो क्या होगा। वैसे तो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है कि सूरज की किरणें कीटाणु मार देती है, मतलब धूप में रखने से कई सारी चीज़ें स्टेरिलाइज हो जाती हैं, लेकिन इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि किरणें जानलेवा भी होती हैं। ओजोन परत इनको सोख लेती है और उतनी ही मात्रा में नीचे आती हैं जितनी हमें चाहिए। मसलन इंसानों में विटामिन डी बनाने के लिए अब छेद होगा बड़ा तो किरणों की मात्रा भी बढ़ेगी। ये कारण बनेगी स्किन कैंसर और कैटरेक्ट्स जैसी बीमारियों की। इसके बढ़ने से फसलों की उपज कम हो सकती है और समुद्री जीव जो है उनकी जीवन साइकिल भी बिगड़ सकती है। अब सवाल ये है कि कैसे पतली हो रही है इसकी परत। अब इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये काम तो हम इंसान ही कर रहे हैं। फ्रिज से लेकर एसी और कीटनाशकों से लेकर एरोसॉल तक ऐसी गैसें निकालते हैं जो ओजोन परत की पक्की दुश्मन है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलोन जैसी गैसें हम रोज ही आसमान में भेज रहे हैं। इनसे निकले क्लोरीन और ब्रोमाइन के परमाणु स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन के अणुओं को नष्ट करते हैं। अब एक नज़र डालते हैं कि ओजोन के छेद के क्या हाल है। छेद से पहले तो ये समझिए कि कोई असल का होल नहीं होता है। अगस्त से अक्टूबर के महीनों में अंटार्कटिक पर ओजोन की परत इतनी पतली हो जाती है कि उसको छेद कहा जाता है। वैसे नॉर्थ पोल पर भी ऐसा ही कुछ होता है। अच्छी खबर ये है क्योंकि साइंटिस्ट मानते हैं कि ओजोन परत का फ्यूचर अच्छा होगा। अगले 50 सालों में, मतलब 2070 तक, ओजोन परत फिर से वहीं पहुंच सकती है जहां वो 1980 में थी। वैसे ये किसी एक से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए हम सभी को अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करना ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशन ने ऐसी दो संधियां की है जिनको 16 सितंबर 2009 को वैधता मिली। इसलिए हम हर साल सितंबर महीने के 16 तारीख को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये थी हमारे पर्यावरण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जिसके बारे में आपका जानना बेहद ज़रूरी है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।